छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 2.5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने गला दबाकर हथौड़े से पीट पीट कर हत्या की। दो सितंबर को दशरंगपुर चौकी किचनपुर गांव में तालाब के पास एक बॉडी जो है मिली थी, जो आधी पानी में थी आधी जमीन पर थी। उसको पहचान कराया गया, उसकी पहचान नकुल चंद्रवंशी के रूप में हुई, रोहित चंद्रवंशी के रूप में हुई। पूछताछ में मालूम चला और उनके कॉल डिटेल खंगालने के बाद कि उनकी हत्या जो है जग्गू और नकुल चंद्रवंशी जो है उनके द्वारा किया गया है। दो वर्ष पूर्व जो आरोपी है नकुल चंद्रवंशी, उसके बेटे के ऊपर हमला किया था। अब जो मृतक है उसके और साथ चार लोगों ने मिलकर इतनी मार पिटाई हुई थी कि जो व्यक्ति जिसको चोट लगी थी वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है। उसी का बदला लेने के लिए उसके नेत्रहीन पिताजी ने ये जग्गू को सुपारी दी और 2.5 लाख की सुपारी के बाद इसको मारने का जो प्लान बनाया और उसके बाद फिर रस्सी से गले को बांध के उसकी हत्या कर दी और उसको पानी में फेंक दिया।